मैंने ऐसी बहुत सारी मम्मियों को देखा है, क्या करती है, बच्चे का डाइपर घंटों घंटों पहनाए रखती है, जिससे कि फिर बच्चे को इन्फेक्शन तो होता ही है, साथ में डाइपर रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे को, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने यहाँ तक कि कई लोगों को टोका भी है कि आप बच्चे का डाइपर चेंज करो, बच्चे का डाइपर बहुत हैवी हो गया, तो कहते नहीं अभी खाली है थोड़ा सा और भर जाने दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आप बच्चे को अपने बीमार कर रहे हो, बच्चे को इससे दिक्कतें ही दिक्कत हो सकती हैं। तो एग्जैक्ट क्या टाइम है, कितने टाइम बाद बच्चे का डाइपर आपको चेंज कर देना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आप सबके साथ रेशु, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज बेबी केयर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आपका बच्चा न्यूबॉर्न है, तो न्यूबॉर्न बेबी क्या करते हैं, हर 20 मिनट में सुसु पास करते हैं, बहुत ज़्यादा सुसु करते हैं न्यूबॉर्न बेबी। अब इसका एवरेज देखा जाए तो हर 1 से 2 घंटे में न्यूबॉर्न बेबी का डाइपर फुल हो जाता है। अब इसके साथ ही क्या करते हैं कि बच्चे ज़्यादा पॉटी भी करते हैं जब न्यूबॉर्न होते हैं, तो हो सकता है दिन भर में बच्चा 8 से 10 बार पॉटी कर दे। तो ऐसे में कई माँ भी कंजूसी कर जाती है, बच्चे ने पॉटी करी है अभी 1-2 बार और कर लेने दो, पहने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पॉटी में आपको पता है ना कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो बच्चे की पॉटी ही क्यों ना हो, ठीक है। इसीलिए जब भी बच्चा पॉटी पास कर दे तुरंत डाइपर चेंज करें बच्चे का, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा फिर बच्चे को। ये ना देखें कि अभी डाइपर भरा नहीं है, अभी तो पहनाया है, ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप बच्चे को बीमार करोगे। एवरेज जो बच्चे का डाइपर चेंज करने की टाइमिंग होती है, चाहे आपका बच्चा न्यूबॉर्न हो या बड़ा हो गया हो 6 मंथ तक का या इससे भी बड़ा, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने बच्चे का डाइपर चेंज कर देना चाहिए, चाहे भरे डाइपर या ना भरे। और ये गलती भी ना करें कि बच्चे का डाइपर उतारा और तुरंत दूसरा डाइपर पहना दिया, नहीं, बच्चे का स्किन केयर भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जैसे कि बच्चे का डाइपर चेंज किया, 1 डाइपर आपने हटाया, थोड़ा सा बच्चे को 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, ठीक है। उस टाइम पे आप बच्चे को कॉटन की नैपीज वगैरह भी पहना सकते हो, एंड बच्चे का उस एरिया को अच्छे तरीके से पहले क्लीन कीजिए, नैपी पहनाने से पहले भी, जैसे आप डाइपर रिमूव करते हो अच्छे तरीके से पहले तो वेट वाइप से या कॉटन के कपड़े को हल्का गुनगुने पानी में गीला करके, और फिर बच्चे के वो पॉटी एरिया को, बच्चे के प्राइवेट पार्ट एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए। फिर उसके बाद बच्चे को आप कोकोनट ऑयल या डाइपर रैशेस क्रीम लगाइए, उसके बाद बच्चे को आप कॉटन नैपीज वगैरह 10 मिनट तक कुछ भी पहना सकते हो। 10 मिनट तक बच्चे को डाइपर फ्री आपको जरूर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा लॉन्ग टाइम तक डाइपर रैशेस से फ्री रहेगा, बच्चे को इरिटेशन नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, स्किन से जुड़े हुए कोई भी इन्फेक्शन भी बच्चे को नहीं होंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का बच्चे को हर बार, जितनी बार भी आप डाइपर चेंज कर रहे हो, 10 मिनट का रेस्ट जरूर 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 होना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे का डाइपर जो आप साइज सेलेक्ट कर रहे हो वो वेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट साइज आपको चूज करना चाहिए, वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग डाइपर। इसके बाद जो लोग अगर डाइपर बच्चे को नहीं पहनाते हैं, कॉटन नैपीज वगैरह पहनाते हैं, तो नैपीज को भी आपको हर बार, जितनी बार भी बच्चा सुसु कर देता है उतनी बार चेंज करना चाहिए, और नैपीज को वॉश जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे ने सुसु पास किया, आपने ड्राई कर लिया और फिर वही पहना दिया, ऐसी गलती भी बच्चे को इन्फेक्शन दे सकती है। इसीलिए बच्चे की जितनी भी नैपीज है उनको डेटॉल में अच्छे तरीके से वॉश करके धूप में सुखा कर ही बच्चे के लिए फिर रीयूज करनी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो इससे बच्चा इन्फेक्शन फ्री रहता है, बीमारियों से बचा रहता है, बच्चे को किसी भी तरीके की स्किन एलर्जीज भी नहीं होती है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।